नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल सपने सुहाने NS+24। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि घड़ी किस दिशा में लगानी चाहिए और किस दिशा में भूल के भी नहीं लगानी चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं घड़ी आखिर किस दिशा में लगाना शुभ होता है और किस दिशा में लगाना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अक्सर वक्त के साथ चलने के लिए लोग अपने घरों में घड़ी लगाते हैं, क्योंकि यदि हमें टाइम के साथ चलना है तो घड़ी का होना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि वो हमें सही टाइम बताती है और वक्त का हमारे जीवन में काफी महत्व होता है। दोस्तों, आज के समय में घड़ी काफी डिजाइनर आती हैं, अलग अलग डिजाइनों में भगवान की फोटो या फिर चित्रों के साथ घड़ी मिलती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घड़ी को नुकीले आकार की कभी भी घर में नहीं लगानी चाहिए। घड़ी को हमेशा गोल आकार में या फिर अंडाकार आकार में ही लगाएं। इस आकार में लगाना शुभ माना जाता है। और घड़ी को कभी भी गंदा ना रखें, उस पे यदि धूल मिट्टी जम जाए तो उसे साफ कर दें, क्योंकि यदि घड़ी पे धूल मिट्टी जमती है तो आपका भाग्य भी धुंधला होने लगता है। इसीलिए घड़ी को टाइम से साफ करते रहें और घड़ी को कभी भी टूटा फूटा या फिर पुराना घड़ी घर में कभी भी ना रखें। यदि आप नई घड़ी लाते हैं तो पुरानी घड़ी को बाहर निकाल दें। भगवान के चित्र वाली घड़ी भी घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की जगह मंदिर में होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर किस दिशा में घड़ी नहीं लगानी चाहिए और किस दिशा में घड़ी लगानी चाहिए। दोस्तों, घड़ी लगाने की सही दिशा पूर्व, पश्चिम और उत्तर मानी जाती है। इन दिशाओं में घड़ी लगाने से जीवन में उन्नति तरक्की आती है, आपका भाग्य प्रबल होता है, आपको जीवन में सही दिशा प्राप्त होती है। आपको दक्षिण दिशा में घड़ी कभी भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और जीवन में आप उन्नति तरक्की कभी नहीं हासिल कर पाते। घड़ी को हमेशा दीवार पे ही लगाएं। मुख्य द्वार के दरवाजे के ऊपर भी घड़ी कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वहां से हमेशा आना जाना लगा रहता है। इसका भी प्रभाव घर के लोगों पे पड़ता है। इसलिए घड़ी को हमेशा सही दिशा में लगाएं, ताकि आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।